नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। सबसे पहले बात करते हैं यूपी के सहारनपुर की, जहां पर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस की माने तो पकड़े गए बदमाशों के पास से दो कार, चार बाइकें भी बरामद हुई है। वाहन गिरोह जो पकड़ा गया है, क्या है पूरा मामला? कल इंस्पेक्टर नकुर के द्वारा जब अपनी टीम के साथ आगामी लोकसभा को दृष्टिगत रखते हुए जब चेकिंग की जा रही थी संदिग्ध व्यक्ति और संदिग्ध वाहन की, तो नसरुल्लागढ़ चेक पोस्ट के पास से दो संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए गए, जो बाइक पर सवार थे। जब उन्हें रुकने का इशारा दिया तो उनको रोका गया। रोकने से उसके गहनता से पूछताछ की गई तो उनके पास से दो कार, जो चोरी की कार थी, एक सेंट्रो कार है और दूसरी वैगनार कार, और चार चोरी की मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल की पुष्टि हुई, जिनको उनकी निशादेही के द्वारा उनके स्थान से, उनके घर से बरामद किया गया। और उनको जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास 2 315 बोर के तमंचे और कुछ कारतूस मिले, जिसको पुलिस ने आवश्यक बल प्रयोग करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया। और बाद गिरफ्तार उनके खिलाफ जो धाराएं थी, संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करा करके जेल भेजा गया। शाहबाद के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय मोहल्ला जिलेदारान में होली का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें छोटी छोटी बालिकाओं के साथ बड़ों ने भी होली पर्व पर गुलाल और नृत्य करके सभी का मन मोह लिया। शाहबाद क्षेत्र में होली के रंग में मस्त एक बाइक सवार ने साइकिल सवार को टक्कर मारकर घायल कर दिया। वही टकरा कर गिरा बाइक सवार भी घायल हो गया। दोनों को राहगीरों ने शाहबाद अस्पताल पहुंचाया। दोनों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। आज क्या दिन है? अच्छा है जी, क्या मामला हो गया जो दोनों आए अभी घायल? ये एक्सीडेंट का केस था, एक्सीडेंट हुआ था, इनको दोनों से मिलते हुए तो घर जा था जी। तो इनमें एक पेशेंट को हमने रेफर किया है, एक को रेफर किया है, एक स्टेबल है, उसको घर ले जाए। पूर्व विधायक रुचि वीरा आंवला सीट से बसपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। रुचि वीरा बिजनौर लोकसभा से बसपा का टिकट मांग रही थी। बिजनौर सीट की जगह उन्हें आंवला सीट से चुनाव लड़ने की बसपा हाईकमान ने हरी झंडी दिखा दी है। रुचि वीरा ने आंवला सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताजा और तरीन खबरों के लिए बने रहिए सीएमएन न्यूज पर। तब तक के लिए नमस्कार।